हेलो फूडीज, वेलकम टू सोनियास कुक बुक। जैसे कि आम का सीजन चालू है, मैंगो का सीजन, तो हम आज बनाएंगे मैंगो सूजी केक। ये परफेक्ट स्पंजी बनता है और सुपर यमी टेस्टी बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें लगेगा एक मैंगो, उसे हम पील करके उसे अच्छे से चंक्स में कन्वर्ट कर लेंगे और मिक्सर ग्राइंडर में जार डाल देंगे। फिर हम लेंगे उसमें शक्कर, 1 कप शक्कर है, आप दानेदार शक्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। हम फिर इसमें डालेंगे मलाई, ये घर की मलाई है और बिल्कुल ऑप्शनल है। आपके पास इतनी नहीं है 1/4 कप जितनी, या फिर थोड़ी सी ही है तो वो भी चल सकती है। इससे क्या होता है, जो केक का जो टेक्सचर है वो बहुत अच्छा आता है। फिर मैंने यहाँ पे दूध लिया है, ये बॉइल्ड किया हुआ रूम टेम्परेचर पे कूल किया हुआ दूध है। ये पूरा अभी 3/4 कप नहीं डालना है, हमें इसका थोड़ा सा ही डालना है दूध, ताकि जो पल्प है, जो शक्कर है, वो अच्छे से मिक्स होके उसका अच्छा सा मैंगो का पल्प बने। तो ये मैं इस पे डाल देती हूँ और अब हम इसे अच्छे से चर्न कर लेंगे। आप देख सकते हो ये मलाई डालने की वजह से कितना क्रीमी हो चुका है। अब पहले तो हम कुकर को प्रीहीट करने के लिए रख देंगे। दोस्तों याद रखिएगा, आप जब भी कि प्रीहीट करेंगे या फिर केक रखने के बाद उसको बेक करेंगे, तो बिल्कुल भी स्टीम अंदर या बाहर से, अंदर बाहर की अंदर और बाहर नहीं जानी चाहिए। तो हम आज इसको बनाने वाले हैं हार्ड आयनाइज्ड के बर्तन में, क्योंकि ये बर्तन मोटा भी होता है और इसको अच्छे से फ्लफीनेस भी आती है। जरूरी नहीं है आप कोई सा भी बर्तन यूज कर सकते हो, लेकिन आज मैं इसमें बनाऊंगी। तो पहले तो मैं इसको ऑयल से ग्रीस कर लेती हूँ और इसमें मैं आज डाल रही हूँ बटर पेपर। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप सिर्फ मैदा छिड़किएगा। अब उसे भी अच्छे से हम ग्रीस कर लेंगे और इसको बाजू में रख देंगे। एयर बबल्स दोस्तों बिल्कुल भी नहीं चाहिए उसमें। फिर हम एक बोल में लेते हैं 1.5 कप सूजी, ये बारीक सूजी है। अगर आपके पास बारीक सूजी नहीं है तो जो भी आपके पास मोटी सूजी है उसको एक बार मिक्सी में से चर्न कर लेना है। फिर मैं इसमें डालूंगी मैदा, 4 टेबलस्पून तक का मैदा आप इसमें डालिएगा, उससे टेक्सचर भी अच्छा बनता है। फिर हम इसमें डालेंगे कर्ड, ये घर का कर्ड है। फिर हम इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, ये बिल्कुल इसकी मात्रा कम ज्यादा नहीं करनी है दोस्तों, वरना केक कड़वा हो जाएगा। और एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ये सारी इंग्रेडिएंट्स को, क्योंकि जो रवा है वो थोड़ा थोड़ा फूलने लगता है जैसे कि वो कर्ड के कांटेक्ट में आता है। फिर अब इस स्टेज में हम डालेंगे इसमें ऑयल, आप बटर का भी यूज कर सकते हो, आप घी का भी यूज कर सकते हो, लेकिन ऑयल से उसका टेक्सचर अच्छा होता है और बटर से उसका टेक्सचर बटरी बटरी हो जाता है। तो अभी इसे फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम अभी ग्रेजुअली उसमें धीरे धीरे दूध डालेंगे। पहले तो ये अपना आम का पल्प डाल देते हैं और फिर हम लास्ट में उसमें डालेंगे दूध। दोस्तों अगर आप चाहे तो इसमें इसेंस भी डाल सकते हो, मैं इसमें डाल रही हूं, लेकिन आप नहीं भी डालो तो भी उसमें ज्यादा कोई फर्क नहीं है। दूध एकदम से नहीं डालना है, हमें धीरे धीरे डालना है, क्योंकि हमें देखना है रिक्वायर्ड क्वांटिटी कितनी है। ये पूरा डिपेंड करता है आपके मैंगो के ऊपर कि वो कितना पल्पी बना है, वो कितना लिक्विडिटी बना है। तो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, इसको ज्यादा मिक्स नहीं करना है, ज्यादा फेंटना नहीं है, बस हमें रवा को अच्छे से मिक्स करना है ताकि जो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा है
उसका रिएक्शन जब रवा के साथ आएगा तो वो अच्छे से फूल सकेगा। आप देख सकते हो मैं इसको एक ही डायरेक्शन में घुमाकर उसका बैटर बना रही हूं, उल्टा फुल्टा नहीं घुमाना है। फिर हम इसमें डाल देंगे अपने मोल्ड में। आपके पास अगर हार्ड ऑनेस का पतीला भी हो तो वो भी चलेगा दोस्तों। अभी इसको अच्छे से टैप करके हम रख देते हैं और इसे हम धीमी आंच पर बेक करते हैं 35 मिनट्स तक। इसको मे भी ज्यादा देर भी लग सकती है, 40 मिनट्स भी लग सकते हैं, आपको एक बार खोल के देखना पड़ेगा। तो इसको हो चुके हैं 35 मिनट्स, हम एक बार देख लेते हैं। ये पूरा बेक हो चुका है, परफेक्ट। आप देख सकते हैं उसकी इंडिंग्स। अब हम इसको रखेंगे 10 मिनट के लिए स्टैंड बाय मोड में। मैंने गैस को बंद कर लिया है पूरी तरह से। अब ये जैसे ही ठंडा हो जाता है फिर उसके बाद में हम इसको डीमोल्ड करेंगे। धीरे से रवा का केक बहुत ही डेलिकेट होता है, वो मैदे के जैसे एकदम फर्म नहीं होता है, तो आपको इसको धीरे से हैंडल करना है दोस्तों। ये बात आप जरूर याद रखिएगा। अगर आप उसको जब गर्म रहता है तभी उसको डिमोल्ड करने की कोशिश करेंगे तो बीच में से टूट भी सकता है, इसलिए ध्यान रखिए पूरा वो ठंडा होने दे। परफेक्ट, ये पूरा अच्छे से निकल चुका है। आप देख सकते हो थोड़ा सा भी कहीं पर भी उसको लगा नहीं है मोल्ड को। अब हम इसका बटर पेपर निकाल लेते परफेक्ट। आप देख सकते हो नीचे से पूरा अच्छे से ब्राउनिश हो चुका है, बेक हो चुका है और स्पंजी भी हो चुका है। अब इसको हम पलट के देखेंगे।